नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में पहली जनसभा, बोले यहां के कण कण में देशभक्ति। ह्युंडई को पछाड़ टाटा मोटर्स बनी दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी। बिक्री में दर्ज की 44% की वृद्धि। गोवा में भारी पड़ा नए साल का जश्न, कोरोना मामलों में हुआ इजाफा। राज्य में पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 10% से ऊपर। पीयूष जैन के घर रेड को सपा ने दिया अल्पसंख्यक एंगल। अखिलेश यादव बोले जैन समुदाय को समृद्ध नहीं देख पा रही बीजेपी। समुद्र का शार्क बनना चाहता है चाइना, महासागरों पर कब्जे की कोशिश। नागपुर में वाहन पेड़ से टकराया, 4 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। एकता कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेटेड। समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, आयोग ने राज्यों को दिया निर्देश टीकाकरण की स्पीड तेज करें। चीन ने लहराया गलवान घाटी में अपना झंडा। सीएम योगी मथुरा से लड़े चुनाव, सांसद हरनाथ यादव ने जेपी नड्डा को भेजा भगवान कृष्ण से प्रेरित पत्र। बैठक के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, बड़े आयोजनों सभाओं पर रोक लगाए, संक्रमण बढ़ने पर लग सकता है लॉकडाउन। गरियाबंद में 71 हीरो के साथ एक गिरफ्तार, पायली खंड प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी किए 24 कैरेट के हीरे। नया रायपुर के प्रभावित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, एनआरडीए कार्यालय का किया घेराव। केशकाल में गोविंदपुर के पास बनेगी प्रदेश की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग। पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी पर सुनवाई, बिहार सरकार से पूछा तीसरी लहर से निपटने की क्या है तैयारी। बंगाल में 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, बिहार में नई पाबंदियों के संकेत। सत्यपाल मलिक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर में निवेशकों की हुई कमाई, 10 दिन में 69% बढ़ा स्टॉक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को किया ढेर। कोलकाता में 100 से अधिक चिकित्सक कोविड-19 से संक्रमित मिले। वैष्णो देवी के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग, भगदड़ के हादसे के बाद लिया फैसला। तेलंगाना भाजपा प्रमुख संजय कुमार न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के करीब 13 लाख बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन, 34 लाख से अधिक बच्चे करवा चुके रजिस्ट्रेशन। भूकंप के जोरदार झटकों से हिला ताइवान, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2, राजधानी ताइपे में भी महसूस हुआ कंपन। मुंबई में क्लास 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद, कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखकर बीएमसी ने लिया फैसला। दिल्ली पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले में आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए ट्विटर को लिखा। प्रियंका गांधी 8 जनवरी को अल्मोड़ा में करेंगी चुनाव सभा को संबोधित। मुंबई के घाटकोपर में गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। धार के बालाजी साबुन फैक्ट्री में ब्लास्ट, अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा, 40 गैस टंकी जब्त। छत्तीसगढ़ में 500 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट सिस्टम, मुख्यमंत्री ने किया लॉन्च। देश में एक्सपायर टीके लगाए जाने वाली रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्री ने किया खारिज, कहा पूर्व में ही टीकों की उम्र 9 से 12 महीने तक बढ़ाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव, पत्नी बेटी समेत 18 लोग संक्रमित। कालीचरण महाराज के समर्थन में उतरे कैलाश विजय वर्गीय, बीजेपी महासचिव बोले संतों को लेकर लिबरल होने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को तगड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार। ड्रैगन ने शुरू किया पुल का निर्माण, सैनिकों को मिलेगी बड़ी मदद। नवाब मलिक ने समीर वांगखड़े के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सीएम योगी बोले राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू, केरल में जाकर अमेठी की बुराई करते हैं। रायपुर कोर्ट में बाबा कालीचरण की जमानत याचिका खारिज, अभी रहना होगा जेल में। आईआईटी खड़गपुर के 31 छात्र और कर्मचारी कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। दिल्ली में लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ी, आज 4,100 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 11,000 के करीब, संक्रमण दर 6% पार। लखीमपुर मामले में मोदी के मंत्री की बड़ी मुश्किलें, एसआईटी ने दाखिल की 5,000 पेज की चार्जशीट, आशीष मुख्य आरोपी। उत्तराखंड बीजेपी विधायक ने मंत्री पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, दी अनिश्चितकालीन अनशन की धमकी। 16 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीर, पति संग रोमांटिक अंदाज में आई नजर। दिल्ली में बिगड़े हालात, 100 में से 84 मरीजों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। भिलाई चरोदा को मिला नया महापौर, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 24 वोट तो भाजपा को 16 वोटों से होना पड़ा संतुष्ट, कृष्ण चंद्राकर चुने गए सभापति। शेखावत ने किया था कांग्रेस को तोड़ने का ऐलान, बीजेपी का अपना ही एमएलए पार्टी छोड़ गया। झारखंड में मिनी लॉकडाउन, स्टेडियम जिम जू 15 तक बंद, शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। कोविन ऐप पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, पुराने अकाउंट से ही शेड्यूल कर सकेंगे अपॉइंटमेंट।
ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।